अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू की एक आसान सी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो बाजार से अच्छी घर पर बनती है, और इस रेसिपी का नाम है आलू की भुजिया। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच, जीरा यहाँ पर जाएगा 1 खाने का चम्मच, साबित गोल लाल मिर्च जाएंगी 3 से 4 अदद, और तेल में ज़ीरा और लाल मिर्च को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद एक दरमियानी साइज़ की प्याज जाएगी चॉप्ड करके। प्याज को फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। तो दरमियानी आंच पर ही इसे पकाएंगे स्टिर करते हुए। ख्याल रहे कि जो प्याज है वो जले ना। अब इसमें जाएंगे टमाटर, तो एक दरमियानी साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल देंगे और स्टिर करते हुए पकाएंगे कि जब तक टमाटर गले ना। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से आलू की रेसिपी ज़्यादा पसंद है। अब देखें जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। प्याज में टमाटरों को पहले गलाना लाजमी है, इसके बाद जाएंगे यहाँ पर आलू। तो तकरीबन 1/2 kg आलू आपने लेने हैं और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। आलू की बारीक कटिंग करनी है, इससे ये होगा कि आलू जल्दी गल जाएंगे और इस तरह से आलू की भुजिया जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। अब आलू को स्टिर करते हुए 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे। अब मसाले इसमें जाएंगे, मगर सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगी जिंजर। तो जिंजर की इस तरह से जूलियन में कटिंग करके तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। नमक जाएगा यहाँ पर 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर जाएगा 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च कुटी हुई जाएगी 1 चाय का चम्मच, हरी बड़ी मिर्चें जाएंगी 3 अदद। अब सब मसालों को आलू में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि जो मसाले हैं वो आलू पे चढ़ जाएं। तो इस तरह से आलू बहुत जायकेदार बनते हैं, और आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही मसाले डालती हूँ, मुझे ऐसे ही आलू की भुजिया बहुत पसंद है। अब जब मसाले आलू में मिक्स हो जाएँ तो पानी जाएगा यहाँ पर 1 ग्लास, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना पानी डालेंगे कि जो आलू हैं वो गल जाएँ। अब सेट करते हुए मसालों को तेज़ आंच पर रखते हुए इसे पकाएंगे कि जब तक पानी गर्म हो जाए। तो देखें इस तरह से जब बबल्स आने लगे पानी में तो कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। बीच बीच में चेक भी करते रहना है कि जब आलू गल जाएं और पानी आधा खुश्क हो जाए, बस कवर हटाना है और फ्रेश धनिया से आलू को गार्निश कर लेना है और मिक्स करना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और गर्मा गर्म करना है सर्व। यकीन और उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये आलू की भुजिया की रेसिपी आप मेहमानों के आगे भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आलू की इस रेसिपी की फरमाइश आपसे एक बार नहीं बल्कि बार बार की जाएगी। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।